This question में क्या दिया हुआ? Two metallic spheres A and B are made of same material and have got identical surface finish. Identical surface finish का मतलब same emissivity है, same material का मतलब दोनों की density same. तो आपको दिया हुआ है mass of sphere A is 4 times mass of sphere B. दोनों को same temperature पे heat किया हुआ है. अब आपका rate of temperature fall दोनों में compare करके ratio of heat loss दोनों में बताना. तो यहाँ पे अब सबसे पहले किस चीज को हम यूज करेंगे? सबसे पहले हम इस चीज को यूज करेंगे कि मास ऑफ ए इज 4 टाइम्स मास ऑफ बी. तो ये है एम ए इज 4 mb. यहां से दोनों की रेडियसेस के बारे में कमेंट करेंगे. तो ए का मास क्या हो जाएगा? रो इंटू 4π/3 आर ए क्यू. बी का क्या हो जाएगा? 4 × 4π/3 आर बी क्यू. यहाँ से क्या आ जाएगा? आर ए इज इक्वल टू आर बी इंटू 2 to the power 2/3. इनकी रेडियस का रिलेशन आ गया. अब दोनों में रेट ऑफ हीट लॉस कंपेयर करना. रेट ऑफ हीट लॉस क्या हो जाएगा? डी क्यू बाई डी टी. ए के लिए लिखेंगे तो ए क्या आ जाएगा? सेम टेम्परेचर पे है तो सिग्मा ए, तो ई भी रख दो, इंटू एरिया अलग अलग होगा. एरिया क्या हो जाएगा? एरिया आप लिखेंगे तो एरिया बन जाएगा 4π² इंटू जो भी टेम्परेचर डिफरेंस है, सॉरी टेम्परेचर डिफरेंस ऐसे नहीं आएगा, T^4 − T₀^4. डी क्यू और डी टी बी लिखोगे तो बी का ई सिग्मा 4π RB² इंटू T^4 − T₀^4 डिवाइड कर दो. तो यहाँ से क्या आ जाएगा? आर ए स्क्वायर अपॉन आर बी स्क्वायर. अब आर ए बाय आर बी क्या है? आर ए बाय आर बी 2 to the power 2/3. तो ये बन जाएगा 2 to the power 4/3. तो रेशियो ऑफ हीट लॉस ए टू बी 2 to the power 4/3. ये आपका आंसर ए बन गया. अब टेम्परेचर का फॉल लिखेंगे तो एम ए इंटू एस इंटू डी टी बाई डी टी. ये क्या आ जाएगा? ई सिग्मा 4π RA² ई ए सिग्मा 4π RA² इंटू टेम्परेचर का जो डिफरेंस है. तो डी टी बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू आर ए स्क्वायर अपॉन एम ए. मास किसके? वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होता है. तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? यहाँ आप यहीं पे आर ए स्क्वायर अपॉन 4π/3 आर ए क्यू इंटू रो लिख सकते हो. तो यहाँ से डी टी बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू आर ए टू दी पावर माइनस. तो आप क्या लिखेंगे? डी टी बाई डी टी ए अपॉन डी टी बाई डी टी बी
ratio radius ke inversely proportional to rb by ra. अब RB by RA ऊपर से कितना आ रहा है, RB by RA, RA by RB 2 to the power 2 by 3 था, तो RB by RA क्या हो जाएगा, 2 to the power minus 2 by 3. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, A and C. टेम्परेचर फॉल का रेशियो 2 to the power minus 2 by 3, रेट ऑफ हीट लॉस का रेशियो 2 to the power 4 by 3.